हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों हमने बताया था कि आपको हमने पहला मैच कवर किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया है, अब हम पांचवा करेंगे, उसके बाद हम चौथा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज है चौथे मैच की बारी, जो कि होगा RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये IPL का चौथा मैच होगा। हमने पांचवा मैच पहले कवर कर लिया है, जो कि है मुंबई इंडियन वर्सेज गुजरात टाइटंस का। अगर आपने वो मैच का प्रीव्यू नहीं देखा है, कंपैरिजन नहीं देखा है, तो अभी जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आना। तो दोस्तों आइए आप बताते हैं आपको आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही टीमों का, बेसिकली कंपैरिजन करेंगे हेड टू हेड मुकाबलों में कौन सी टीम किस पर भारी रही है। उसके बाद चलेंगे हम प्लेइंग 11 की तरफ कि प्लेइंग 11 कौन सी टीम की क्या रह सकती है, और उसके बाद फिर फाइनल सेगमेंट की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स, लोअर ऑर्डर एंड बॉलर, हर एक पार्टीशन पर किसकी टीम ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि ओपनर्स किसके अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर किसका अच्छा है, लोअर ऑर्डर एंड देन बॉलर्स कौन सी टीम के बेहतर है। तो इन दोनों टीमों का कंपैरिजन आज की वीडियो में होने वाला है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दीजिए, और नीचे एक बेरंग सा सफेद कलर का बटन है उसको दबा कर उसमें रंग भर दीजिए। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हेड टू हेड मुकाबलों की, ये दोनों ही टीम आपस में कितनी बार आखिरकार भिड़ी है और किसने कितनी बार बाजी मारी है। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम और लखनऊ की टीम अब तक टोटल 3 बार IPL में भिड़ चुकी हैं, जिसमें कि एक बार जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और 2 बार जीत हासिल हुई है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। वहीं पर अगर बात करें हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर की, तो लखनऊ का हाईएस्ट स्कोर रहा है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 162 रन का, वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो 178 रन का रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लखनऊ ने बनाए हैं 154 रन अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 144 रन का लोएस्ट स्कोर है अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो यहां पर कांटे की टक्कर है, 3 मुकाबलों पे इतना ज्यादा हम जज नहीं कर सकते बिकॉज सैंपल साइज काफी छोटा है। तो इन 3 मुकाबलों से पता करना कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज एक मुकाबला तो लखनऊ ही जीती है और 2 मुकाबले जीती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। अब दोस्तों आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 की, वहां पर शायद तस्वीरें क्लियर होते हुए नजर आए और पता चले हम कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लग रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो यहां पर आपको देवदत्त पाटीकल ओपन करते हुए दिखे जाएंगे अलॉन्ग विद क्विंटन डीकॉक। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो आयुष बडोनी आपको खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 4 की बात करें तो यहां पर KL राहुल खेलते हुए दिखेंगे। अब KL राहुल का नंबर 4 पर आना हमें समझ में आता है बिकॉज T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उन्होंने ऑफिशियली भी कह दिया है कि वो ओपन नहीं करने वाले, वो मिडिल ऑर्डर में ही आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, और नंबर 4 की पोजीशन वो सुटेबल पोजीशन हो सकती है जो कि KL राहुल को सूट करेगी। इसके बाद अगर बात करें नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर निकोलस पूरन आपको खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर यहां पर आपको कुणाल पांडे खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 8 की बात करें तो मोहसिन खान। नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों यहां पर नंबर 9 पर आपको रवि बिश्नोई खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 10 की बात करें तो यश ठाकुर, और नंबर 11 की बात करें तो 2 ऑप्शन रहेंगे, नवीन उल हक खेल सकते हैं या फिर सुमार जोसफ खेल सकते हैं। मार्क वुड बाहर हो चुके हैं IPL से, वो IPL खेलने नहीं आ रहे IPL 2024, सो उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट भी घोषित हो चुकी है जो कि सुमार जोसफ की। अब अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इनके पास काफी सारे नाम रहने वाले हैं। अगर इनको चाहिए बॉलर तो इस खिला सकते हैं शिवम मावी को, अगर फास्ट बॉलर चाहिए तो, अगर स्पिनर चाहिए तो अमित मिश्रा के साथ जा सकते हैं, अगर इनको एक ऑलराउंडर चाहिए तो कृष्णा भगवतम या फिर दीपक हुड्डा में से किसी को चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम RR की, RR की आखिरकार प्लेइंग 11 कैसी दिखाई देती है चलिए जानते हैं। तो यहां पर आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे जॉस बटलर, और उनके साथ आपको यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 की बात करें तो संजू सैमसन। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो एक शॉकिंग नाम यहां पर आएगा जो कि डायरेक्ट एंट्री प्लेइंग 11 में बनाएगा, जो कि है शुभम दुबे का। एक शुभम है वाह, तो शुभम दुबे नंबर 4 पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आपको सिमरन हेटमायर खेलते हुए दिखेंगे। अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आपको रोमन पावल खेलते हुए दिखेंगे, जो कि इस साल इन्होंने खरीदे हैं। 2 करेबियन एज अ फिनिशर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिनिश करने की काबिलियत दोनों रखते हैं, काफ़ी अच्छी टच में भी लग रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की लास्ट ईयर तक जो कमजोरी थी अब वो उनकी शायद ताकत बन चुकी है। और बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर आपको रियान पराग खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 8 की बात करें तो रवि अश्विन। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर आपको युजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आपको ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए दिखेंगे। एंड नंबर 11 की बात करें तो आविश खान आपको नंबर 11 पर खेलते हुए दिखेंगे। अब अगर इनके लिए इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन रह सकते हैं, इनको बॉलर ही चाहिए होगा
होगा बिकॉज नंबर 7 पर रिवान पर आ गए, तो इनको बॉलर की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर प्रशांत कृष्णा को ये चूज़ कर सकते हैं, नवदीप सैनी को खिला सकते हैं, इवन अगर इनको बल्लेबाज ही चाहिए तो फिर ध्रुव जुराल के साथ भी इंपैक्ट प्लेयर के थ्रू जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर दोस्तों बात करें ऑल राउंड कंपैरिजन की फुल प्लेइंग 11 किसकी ज़्यादा बेहतर है, तो शुरुआत करते हैं ओपनर से। ओपनर्स में अगर बात करें तो आपको लखनऊ के लिए दिख जाएंगे देवदत्त पाटीकर, उनके साथ क्विंटन डिकॉक। अगर बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की तो उनके लिए आपको दिखेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं और पहला पॉइंट जाता है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो अभी टोटल स्कोर होता है 1-0। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर में बेसिकली 3 और 4 नंबर की बात करेंगे। अगर बात करें अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो नंबर 3 पर आपको आयुष बदौनी, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आपको केएल राहुल खेलते हुए देखेंगे। अगर वहीं बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए आपको नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हुए देखेंगे संजू सैमसंग, और नंबर 4 की बात करें तो शुभम दुबे। अगर यहां पर कंपेयर करें तो शुभम दुबे एक यंग है और अभी अभी अपना पहला आईपीएल खेलेंगे। वहीं अगर बात करें संजू सैमसंग केएल राहुल का, यहां पर कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन होगा आयुष बदौनी और शुभम दुबे का, तो मुझे लगता है अपर हैंड यहां पर आयुष बदौनी पर रहेगा। तो इसलिए ये पॉइंट जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। तो अभी टोटल स्कोर होता है 1-1। अगर बात करें फिर लोअर ऑर्डर की, लोअर ऑर्डर बेसिकली 5, 6, 7 नंबर के बल्लेबाज, तो बात करेंगे सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आपको दिख जाएंगे नंबर 5 पर मार्कस स्टोनिक्स, नंबर 6 पर निकोलस पुरन, नंबर 7 की बात करें तो कुणाल पांड्या। वहीं अगर बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, तो नंबर 5 पर आपको दिख जाएंगे शिमरन हेटमायर, नंबर 6 की बात करें तो रोमन पावल, एंड नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आपको रियान पराग खेलते हुए देखेंगे। अब यहां पर अगर दोनों ही टीमों को ऑन ऑन कंपेयर करें, आप सोच सकते कि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपर हैंड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये एक ड्रॉ है बिकॉज रियान पराग अभी अच्छी फॉर्म में है। वो अच्छी फॉर्म में रहते हैं आईपीएल से पहले, लेकिन जब आईपीएल में आते हैं तो उनकी फॉर्म पता नहीं लापता हो जाती है। सो अभी के लिए मुझे लगता है ये एक टाई पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट होते हैं 2-2। सो अब अगर फिलहाल बात करें हम बॉलर्स की, तो बॉलर्स कौन सी टीम के ज्यादा बेहतर है, तो बात करेंगे 8, 9, 10, 11 नंबर की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहसिन खान, नंबर 9 की बात करें तो रवि बिश्नोई, नंबर 10 की बात करें तो यश ठाकुर, एंड नंबर 11 की बात करें तो नवीन उल हक। वहीं बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, तो रवि अश्विन, उसके बाद इनके पास हैं युजवेंद्र चहल, एंड देन ट्रेंट बोल्ट, एंड देन आविश खान। सो यहां पर अगर हम ऑन ऑन कंपेयर करें बॉलर्स के इसके ज्यादा बेहतर हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां पर एक और बार जीत जाती है। सो यहां पर टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं 3-2। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या ये कंपैरिजन वैलिड है, क्या ये कंपैरिजन सही है या नहीं, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, तो जो भी आपकी राय हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से फिल कर दीजिएगा। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।